वेलकम बैक टू आवर चैनल द टूरल फैमिली। और आज नया दिन शुरू हो गया है महादेव की नगरी काशी में। और अब हम लोग जा रहे हैं सारनाथ। पहले सारनाथ होके आते हैं, फिर महादेव के दर्शन करेंगे शाम को, और उसके बाद हम लोग जाने का प्लान है गंगा माँ की आरती में, वहाँ भी जाएंगे। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारे जाने का प्लान है। और हम लोगों ने अभी चेक इन कर लिया है एयरबीएनबी में, तो वहाँ से अभी हम यहीं रहेंगे। तो उसके बाद हम निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। उसमें अपने आप हम सब कुछ रूम अपने फ्लैट की तरह ही है कि खाना वाना भी हम अपने आप बना सकते हैं, हमें बाहर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए चलते हैं। एक गाइड हमें लेके जा रहे हैं और 50 रुपीज लेंगे और हमको घुमा देंगे इधर। उन्होंने बताया कि 100 मीटर में सारा कुछ है, टेंपल और वो सब कुछ। हाँ तो अभी यहीं से ये सही रहता है, अपनी तरफ से होता है, अपना देखते रहो, पता नहीं चलता, इधर से उधर भागते रहेंगे, हाँ घूम हो जाएंगे, पता भी चलेगा। ये आपकी शॉप है? एनीथिंग इज देयर। अच्छा अच्छा अच्छा। बुद्धा का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 20 रुपया था। अच्छा अच्छा। यू कैन नॉट कलेक्ट विद द 20 रुपीस फॉर दिस स्टैचू। ओके। ये In the near the temple too much 80-100 that is different prices there. Okay. Bag bhi mere paas 30 rupaye ka hai. We'll go first of all to the main campus where Buddha delivered the first sermon. Okay. Okay. यहाँ पे Chinese temple है, थोड़ा आपको related करा दे रहा हूँ, परिचय करा दे रहा हूँ. Okay. Let's go. तो आप इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं और सब महंगा? Because मैं गांव से जो है ले आता हूँ, वो लोग सस्ता कमर्शियल पॉइंट है। हाँ, मंदिर का गेट, आप घर से निकलोगे तुरंत कोल्ड ड्रिंक मिल गया तो पियोगे, थोड़ा दूर पे जाओगे। हाँ, चलो भाई थोड़ा सस्ता मिल गया। हाँ, that's good. Okay, सर, बाद में सर। हाँ 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 बिल्कुल अच्छा it, है तो। ये शॉप में सामान बहुत अच्छा दे रहे हैं और भी और शॉप से थोड़ा कम का दे रहे हैं। ये वाला सामने इसको कहते हैं कमेमोरेशन ऑफ बुद्धा स्तूप। अभी हम चाइनीज बुद्धिस्ट टेंपल गए थे, वहाँ अभी क्लोज है, अंदर एंट्री नहीं है, वो मे बी जनवरी में ओपन होगा। ये महाबुद्धा इंटर कॉलेज है सारनाथ वाराणसी, महाबुद्धा इंटर कॉलेज। अब ये हमें और जगह दर्शन के लिए ले जा रहे हैं, देखते हैं। अच्छा है का अभी संडे है, ईच एंड एवरीबॉडी कम संडे फ्री है, इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस ही बाई अदरवाइज फॉलो कर एकदम ज्यादा मुझे फ्री हो जाएंगे सब मैच्योर। इनका नाम सूर्य के नाम था डेविड, स्कूल में पढ़ते होने के समय में, बाद में जब इन्होंने अनागारी का सब्जेक्ट अर्थ होता है नागरिकता अनेक डिफरेंट डिफरेंट सिटीजनशिप। श्रीलंका का होते हुए बाहर गए थे, जापान यूएस कोरियन जाके कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किए थे, बाद में इनका फुल नेम जो है अनागारी का धम्मपाल कनेक्टिकट धम्म के साथ में रिलेटेड हुआ। एक्चुअली इज अ बॉर्न इन द बुद्धिस्ट फैमिली, बुद्धिस्ट परिवार में ही जन्म हुआ था। पिता का नाम था हेबा बीतारना, हेबा बीतारना, माँ का नाम था मल्लिका देवी। ओके, तो इन्होंने काफ़ी 17 साल उम्र में श्रीलंका त्याग देने के बाद काफ़ी भारत की जगह पे घूमते घूमते घूमते, उसके बाद उन्होंने देखा कुछ तो नहीं है, सभी टूट गया है, आई डू समथिंग, तो उन्होंने इस मंदिर के बनाए थे, उस मंदिर का एक अनुसरण रखने का स्तर से इस मंदिर के नाम भी मूलागंध टूटी हुई हारा बनाया गया था। अक्षर से कांडे इन्होंने महाबुद्धि सोसाइटी स्थापक थे, कलकत्ता हेडक्वार्टर, बिकॉज ऑफ दैट टाइम भारत का राजधानी का। हाँ, काफी डिजाइन था। मैं गाइड एट सारनाथ,
1933 अप्रैल में यहाँ पे इनको ध्यान हुआ था। इनकी आखिरी ख्वाहिश हमने पढ़ा था, इनके नोट्स वगैरह पढ़े थे, पेंडिंग था जो मैंने इस जीवन में पूरा नहीं कर पाया। फिर किसी भी जगह बुद्धिस्ट सर्कुलेटर में जन्म लेके बाकी टास्क को मैं पूरा करने की क्षमता रखता हूँ। क्या बोलते हैं उनको, रैलिक्स एक्सपोजिशन एनुअल प्रोसेशन एज वेल एज सारनाथ कार्तिक पूर्णिमा। एक्सपोजिशन किसका? रैलिक्स का। रैलिक्स अस्थि जो इस मंदिर के अंदर में है, उसी दिन सिल्वर कैसकेट में रख के काफी जगह पे भ्रमण किया जाता है। तो इस मंदिर का बर्थ एनिवर्सरी उस दिन है, शाक्यमुनि बुद्ध। शाक्यमुनि बुद्ध डियर पार्क एट द ईस्टर्न साइड फ्रॉम द प्लेस वेयर बुद्ध प्रीच्ड द फर्स्ट सर्मन। हम आपको ले चलेंगे। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसलिए यहाँ की महत्वता ज्यादा है। इसका ले लीजिए, टीचिंग बुद्ध बहुत सुंदर है, यही मंदिर के अंदर में है। मैंने गेट दरवाजा नहीं है, राउंड जस्ट राउंड अंदर भी कुछ लोग दिख रहे हैं ना। जी बताइए, जन्म हुआ था कौन सा डायनेस्टी था? 524 BC। बोध गया में उनको अचीव एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री है ना, प्रज्ञा। यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? प्रवचन कुशीनगर में उन्होंने शरीर रखा था, उसको कहते हैं निर्वाण। अचीव निर्वाण मोक्ष इज द सेम थिंग, इक्विवेलेंट है ना। निर्वाण माने शरीर से बाण मुक्त हो जाना। एक बाण मारा जाता है, एकदम पूरा पंचिंग हो गया शरीर के अंदर, पेन होता है, तो शरीर के अंदर में कुछ चाहत आकांक्षा नथिंग, तब उसको निर्वाण। निर्वाण इज द हेवन, निर्वाण डायरेक्ट टू द प्रोसिक्यूशन, जिसके बाद सब कुछ पा चुका। जैसे दूध और दही, दूध और दही, दूध कितना चंचल है, स्टीम देंगे उसमें एक खट्टाई डालेंगे, उसको हम बोलेंगे अमृत, मैं बोलेंगे अमृत। अमृत डालने के बाद उसको अलग कर देंगे, दो घंटे के बाद दही। दूध और दही का बहुत फर्क है। चाइल्ड बुद्धा नाम क्या था उनका? राज ज्योतिष ने रखा था, नॉट टू द पेरेंट्स है ना। राज ज्योतिष ने उनके पास देखा था कि कितनी सुंदर महापुरुष का लक्षण है, कितना प्रतिभा लेके पैदा हुआ, इनके नाम सिद्धार्थ, सिद्ध बाद में गौतम। आगे जाएंगे जस्ट अराउंड एंड टेक फोटोग्राफी बोधि ट्री। इस बोधि ट्री का महत्व क्या है? श्रीलंका से छोटा सा सैपलिंग लाके यहाँ पे रीप्लांटेशन किया गया था। इट हैज टू रीप्लांटेशन, इट्स नॉट द ओरिजिनल ट्री, स्टिल अलाइव बुद्ध अचीव एनलाइटनमेंट, इम्पॉसिबल। अशोक की बेटी संघमित्रा एंड महेंद्र स्प्रेड द बुद्धिज्म, उन्होंने बोध गया से श्रीलंका ले गया अनुराधापुरा। And Anuradhapura to related to come back again 1931 Dharampal ने यहाँ पे लिया था उस पेड़ को। क्या किया? कौन सा replantation? उसका नीचे पांच मूर्ति है जिन पांचों को उन्होंने five followers, the name of the five followers, नाम क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, अद्या, महानामा, अश्वजी। ओके, सो दोस फॉलोअर्स बुद्ध रेली थे फर्स्ट टाइम 563 BC। वहाँ पे जाएंगे, बाहर से राउंड करते हैं, फोटो लेके आ जाना, इज गुड। बोधि ट्री का गेट के ऊपर जो डेकोरेशन है, आर्किटेक्ट है वो बर्मा का है, बर्मिस लैंग्वेज में जो आपने फोटो ले रहे थे ना। हाँ हाँ, देखा था वहाँ से बर्मिस का। ओके, यहाँ से मैडम थोड़ा मूव करके चला। ऐड कर दीजिए गौतम बुद्ध की जो ये फिगर था उसमें धर्म चक्र मुद्रा, उसमें गौतम बुद्ध ने जो बताते थे बताए हैं चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रुथ, दुख के कारण द
दुख का सबका लिए है, उनका निवारण का रास्ता भी है। अगर निवारण का रास्ता है तो एट फोल्ड पाथ इज ए प्रोसेसिंग अबाउट द लीडिंग टू द निर्वाण, है ना। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो होते हैं जिसमें राइट स्पीच, राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट रिजोल्यूशन, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स के बाद ही एक अलग जगह पे पहुंच जाना जहाँ से अदृश्य हो जाना निर्वाण। जैसे हम लोग हिंदू में बर्निंग घाट पे जाता हूँ, शमशान, शमशान जानते हैं किसको बोलते हैं, जहाँ सुनना था खाली वैकेंट, है ना। इसी तरह निर्वाण मोक्ष, निर्वाण अलग चीज होती है, बहुत सुखदायक, मोक्ष मुक्ति, है ना, मुक्ति। इच एंड एवरी बॉडी हैव टू फाइंड आउट दैट किडनी का पेशेंट अगर कभी ट्रीटमेंट कैंसर का पेशेंट मगर मर जाता तो ठीक रहता, सो दैट कुड बी निर्वाण। क्या चले ग्रामीण सोसाइटी, बुनकर सोसाइटी है जहाँ के गांव के लोग अपना ये बनारसी साड़ी का खुद वो बनाते हैं पूरा, ये इसका मशीन है कैसे बनाई जाती है और ये बना भी रहे हैं पूरा दिखाते हैं। ओके, ये देखिए ये यहाँ से आपको पता चलेगा कैसे ये पूरा बुनाई करते हैं, पूरा ये धागा ये यहाँ थ्रेड कर रहे हैं और ये यहाँ तो डिजाइन का पैटर्न कहाँ से होता है फिर इनका, अलग अलग डिजाइन वो पैटर्न होता है, धागा अलग डिजाइन ये, अच्छा 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 खांचे, हाँ 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 ओके, बहुत महीन काम है। ये सब गांव से आ रहा है, ये पूरा गांव का आया हुआ है, हैंडलूम की साड़ी होती है, साड़ी विद ब्लाउज होती है 650 का, हमारे यहाँ 35% डिस्काउंट है, डिस्काउंट काट के 1250 होती है। अच्छा, देखिए व्हाइट लेक में बनाते हैं क्रीम में, तो ये प्योर बनारसी है, प्योर बनारसी जरी वर्क में है, हमारा बनारसी तो हर तरह का है। अच्छा, हाँ क्वालिटी अलग अलग होता है, ये देखिए आएगा। तो ये आप बोल रहे हो कि ये कितने का बता रहे हो, 1250 आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 2200 का डिस्काउंट, 1400, 2000 डिस्काउंट, 1250। अच्छा अच्छा, कलर आपको मिलेगा, डिजाइन मिलेगा। फिर देखिए हमें बनाते हैं बनारस का प्योर वाल कलम सा, प्लेन एंड बॉर्डर, तो फिर आमदनी में बस 3500 लेस करके 2200 रुपये दिए, प्योर रेशम बाई रेशम, प्योर प्योर सिल्क बाई सिल्क की साड़ी होती है। अच्छा अच्छा, फिर ये आएगा बनारस का जामदानी मूगा सिल्क, मूगा सिल्क जामदानी पूरी जामदानी, अच्छा वर्क का नाम जामदानी सिल्क मूगा, अच्छा सिल्क मूगा 2750 आपको 1800 का पड़ेगा। देखिए सेम डिजाइन, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा नहीं बहुत अच्छा वो है, आप डिस्काउंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 35% डिस्काउंट कर रहे हैं, अच्छा है पूरा। यहाँ ये पूरा गांव के वहाँ से रेडी होके पूरा आता है, ये ट्रस्ट का, हाँ हाँ अच्छा है। ये जो है 80 फीट 9 इंच की हाइट है और 280 पत्थरों से जोड़ करके बनाया गया, 16 मार्च 2011 में इसकी ओपनिंग हुआ, और जिसको अफगानिस्तान में तालिबान के लोगों ने तोड़ दिया था ये उसी का सेम कॉपी बनाया गया, जिसको बामियान बुद्धा ने पहाड़ों में काट करके बनाया था तो बम से उड़ा दिया था, ये उसी का सेम कॉपी, और इस स्टैचू को थाईलैंड के गवर्नमेंट ने बनाया था, इसके टेम्पल का नाम बट थाई टेम्पल लिखा गया है पाली थाई भाषा में,